बेला रानी को सुयसु छाय रहो संसार, पृथ्वी राज के नाश हित लौ द्रौपदी अवतार। आदरणीय समस्त हमारे श्रोता बंधुओं, त्रमूर्ति डिजिटल चैनल के सौजन्य से परम पूज गुरुदेव स्वामी श्री सुरजन चेतन महाराज जी के पवित्र आशीर्वाद से आप लोगों के समक्ष में वीर रस से परिपूर्ण आल्हा बेला ताहर संग्राम लेकर के आ रहे हैं। शायद है ये कथा आप लोगों के लिए प्रिय होगी, तो आ जाइए मेरे भाइयों। जिस समय ब्रह्मानंद की पत्नी बेला, जो पृथ्वीराज की बेटी थी, इसका गोना उदल ने जब दिल्ली से लिया है, तो वहां पर घोर संग्राम हुआ है। बेला का डोला लेकर के उदल ब्रह्मा से जाकर के जिस समय मिले हैं, तो क्या हुआ मेरे नौजवान साथियों? आर घायल डारे ढायल मारे, अरे जा ब्रह्मानंद वीर महान लाखन डोला ले बेला को, पहुंचे उसी जगह पर जाई। अरे थाल सोबरन को बेला ले, सुंदर चौमुख दिया जलाई, करत छमा छम 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 छम, पहुंची उसी जगह पर जाई। और बेटा सिलू जाकी गोरी गोरी भैया, नरम कलैया फूलन बिजला लो उठाए, धीरे धीरे ढोरन लागी बोली चरणन शीश नबाए। अरे पीतम प्यारे नैनन तारे, जागो देरन पलकी लाई, अरे नारी तुम्हारी बेला प्यारी, दर्शन हेत भई तैयारी। इधर ब्रह्मानंद मूर्छित है, अब बेला जाकर के बोली है, महाराज आंखें खोलिए ना प्रभु। उसी समय अरे सुन के बानी ही असन सानी, मूर्छा जगी चले ले राय। और अरे समुन कठाड़ो लख बेला को, उनको बड़ी गौ सोच अपार, अरे बाहर ठाड़ो लख उदल को, बोले ब्रह्मानंद पुकार, कहाँ से आए हमें तुम लख के, ये है कौन भूप की नार। ब्रह्मानंद ने जिस समय उदल को देखा है मेरे भाइयों, कहने लगे उदल ये कौन स्त्री है? उसी समय बेला बोली है, सुनो प्रभु, और हाथ जोड़ के बेला बोली, स्वामी बेला नाम हमारी, और अरे सेवा तुम्हारी को हम आई, बिटिया खास पिथोरा राई।
अरे हट जा बेला मेरे आगे से, अब मुख हमें दिखाई दो आई। ब्रह्मानंद ने जब ये कहा कि बेला तुम्हारा चेहरा भी हम देखना नहीं चाहते, हट जाओ यहां से। उसी समय भाइयों पैर पकड़ के बेला बोली, स्वामी बार बार बलिहारी, और बाप हमारो बैरी हुई गो, हम पे दीने जुलम गुजारी। सोई ब्रह्मा बोले तब बेला से, तुम रोई अभी करूं विश्वास, तुम शीशा काट के भटता हर को लावो जाई हमारे पासी। आज बेला भवानी से ब्रह्मानंद कहने लगे हैं, बेला मुझे तेरा बिल्कुल विश्वास नहीं है। विश्वास हम तभी करेंगे जब ताहर का शीश मेरे सामने ला करके दो। कोई बेला बोली, वो बेला बोली, हर नागर देव अपनी देव ढाल तलवारी, अरे पाग पेजनी तुम्हारी बांधू लाए ताहर को शीश उतारी। उसी समय अरे आ गया ब्रह्मा दई उदल को, भैया सब कुछ लियो मंगाई, अरे जैसी आ गया जब उदल ने, तब बेला ने कही सुनाई। ब्रह्मानंद कहने लगे हैं, मैंने आज्ञा दे दी और तुम जाओ उदल एक काम करो, जो सामान इसने मांगा है वो ला करके दो। और बेला तुम अकेली नहीं, उदल भी तुम्हारे साथ है, जाएंगे वहां। बेला कहने लगी है, महाराज वर महबो देखन की इच्छा है, आज्ञा जाऊं तुम्हारी पाई, और पैर लाग ले हम मलना के, मेरो जन्म सफल हुई जाई। अरे बेला बोली उदल बारे, और मारे गुप्त थोड़ा राय, और छोटो लक के जा उदल को, बेडोला को लिए घिरवाई। बेला कहने लगी, हे स्वामी उदल को छोटा जान करके और पृथ्वीराज घेरवा लेगा, मार भी सकता है, कोई और भेजो मेरे साथ में। और सुनो, रही बात लाखन की, तो लाखन के साथ में जाना नहीं चाहती हूं। क्यों? वर संगन जय है हम लाखन के, भारी बैर सहयोग निकियारी, और अरे जाय के धरे हैं जे कनवज में, इज्जत होवे धूल तुम्हारी। अरे बात मान के तब बेला की, ब्रह्मा आल्हा लए बुलाई, अरे संग में जाओ तुम बेला के, इनको हो बोलाओ दिखाई, और देर न कीनी तब माहिल ने लिली दाज दई सजवाई। मेरे नौजवान साथियों, जिस समय ब्रह्मा ने आदेश दिया है आला को, भैया बेला के साथ तुम जाओ और इन्हें मोहबो दिखा कर खिलाओ, आला तैयार हुए हैं, और महल को जो सूचना लल्ला पता नहीं कैसे मिल गई, माने क्या किया, वर तेरा नकीनी तब महल ने लिली हाल लई सजवाई,
अरे चुप गा फौरन दिल्ली पहुंचे बैठे जहां पे थोड़ा राई। अरे तुरंत बुलवाए लो तो चोड़ा कोई और वे कहने लगे समझाई। अरे टोला मोहबे जाए बेला को लेके जात बना फरलाई। अरे जाए पकड़ लियो तुम डोला कोई और डोला को लियो छिलाई। मेरे नौजवान साथियों, पृथ्वीराज चौहान ने चोड़ा को बुलाया है और जाके कहा कि बेला मोहबे जा रही है, रास्ते में डेला छुना लो उसका, तैयार हो जाओ वीर बहादुरो। आगे हुआ क्या, डोला लेकर के और डोला लेके आल्हा बोले चोला गौ के मोहबे को जाई। अरे काऊ भात से ये नहीं रुके, चाहे करियो तुम लाख उपाय। आल्हा को ये पता लग गया कि हमारे साथ में कहीं धोखा ना हो जाए। अरे चोड़ा बोले कि ये नहीं हुई है, मान न पड़े है के हुक्म हमारी, ना ही एक के क्षण भीतर में तेगा हुई है के पेट के पारी। चोड़ा जाकर के आल्हा से बोला है, आल्हा एक काम करो, ये डोला हमें सौंप दो, उन्हें सब के सब हम मारे जाओगे। क्रोध आ गया उसी समय चोड़ा को, और एक ही पल के आज यार स्वामी रूरी फौज है पिथौरा क्यारी, रणखेतन में मैं डोला के घिर गए पीरा है बना फरुराई। अरे गजपट सावत धर चिन्हारो सुन ले बात है कनौजी राय कह कहे। अरे उदल कह कह आज लाखन ने लीने तेरी है उदय सिंगलाई। जिस समय लाखन ने और उदल ने सुना है कि आला भैया घिर चुके हैं, अब दोनों शेर वहां से भाग पड़े। हुआ क्या, एक जूझ जाए रण खेतन में दूसरो गहले वे है तलवार। अरे खड़ो बेंदुला जहां पे खड़ो उदल फांद के भय अशुबार। अरे जात देख घिरो आल्हा को दई बेंदुल में एड़ लगाई। लाखन और उदल भाग पड़े हैं, देखा है कि आला भैया घेरे पड़े हैं, फांद के चढ़ गए बेंदुला पे। अरे उठ के चोड़ा पीछे
से भागो अपने ले गौ है प्राण बचाए। हाय दया, अरे पृथ्वी राज से ये सब बातें भेदी ने जाए के दई है बताई। अरे लश्कर हाल की दो सजवाई, आदि भयंकर को सजवाओ तापे चढ़े हैं पिथौरा लाई। अरे फौजे पहुंची उतो दिल्ली की, घिर गए जहां पे बना फरराई। अरे जाते हल्ला पृथ्वी बोलो आला उदल के घिरे घिरबाई। अरे जाय पिछारी सेरे लखनली भारी तो बहाई दागी दई जाय। कह गए बीच में घिर गए के दहली बारे, खट खट भजन लगी है तलवारी। अरे कबहू पृथ्वी आगे देखे हो, आगे देखे कबहू देखे लौट पिछारी, कबहू डोला पृथ्वी छीने कबहू छीने कनौजी राई। लोगा भयंकर युद्ध होने लगा है बेला का डोरा छीनने के लिए। दोस्तों और कागत हुई है जा बेला की, हाँ। यारो सुनियो चित लगाई, उदल बोले तब पृथ्वी से अपने ले जाओ तुम प्राण बचाई। दोस्तों उदल कहने लगे पृथ्वीराज, अगर अपनी जिंदगी चाहते हो तो भाग जाओ यहां से, आज बचोगे नहीं तुम। अरे आज्ञा दीनी है रे जय चंदनी, कौन हमने लो है करवाई, हाँ। अरे दृष्टि हमारी में एक ही है जय चंद और पिथौरा लाई। चाहे करियो तुम लाखी उपाय, मालूम पड़ गई है पृथ्वी को मन है नाय जे उदय सिंह लाई। और पीछे राह दई है करवाई, ऐ डोला लेके आला चलवे लई मोहबे की है सीध लगाई।
आज उदल लखन वहां से लौट गए हैं और आल्हा बेला का डोला लेकर के जिस समय आगे बढ़े, क्या हुआ है वीरू भाई? जिस समय आला डोला लेकर के आगे बढ़े, अरे डोला लेके के आल्हा चल भाई बरैन पुरवा में पहुंच गए जाई। हाँ। अरे महल देख के बापुरवा के बेला सोची सोची रह जाई। जब बरैनपुरवा में जाकर के पहुंचे हैं आल्हा बेला का डोला लेकर के, शिवदी बेटा क्या हुआ? अरे बेला पूछती है रे आल्हा से, साची कहो तुम अपना फर राई। अरे नगर महोबा क्या ये ही है आल्हा, जवाब के दो मुश्किल। आल्हा बोले हैं देखो बेला रानी, बैरन बरैन पुरवा है, अब जब तुम मोहब्बत देखोगी तुम्हारा दिल ही खुश हो जाएगा, ये तो बरैन पुरवा है। और चलो आगे, दोस्तों अरे रूप देख के रानी बेला को आल्हा मोहिरे मोहिर रह जाए। हाँ। का करवाए हो के बेला रानी, मेरे कछूरे समझ नहीं आई। और मालिनी पुरवा के बेला देखी गई हर साई। हाय दैया, अरे फुलिया मालिन सुनतई धाई, हरसित करी आरती आई। और रूप देख के रानी बेला को मालिन भव है ताजुब आई। ऐसी सुंदर बेला रानी सो हुई गई राणैया बयाई। मालिन कह ले बारे भगवान तुमने बड़ो ही गलत करो, बेला कितनी सुंदर है, जवानी में राण कर दिया तुमने, ये क्या हुआ? जैसे ही मालिन की इतनी बात सुनी है, अब बेला को गुस्सा आ गया, कहने की कमी मुझे राण कह रही है तू? सोई हंटर लेके बेला रुपी गई, तई मालिन की खाली उड़ाई। आला बोले हैं बेला से, ये मत करो मेरी सुकुमारी। अरे डोला तुरंत बैठ गई आई, डोला लेकर आला चली वे पहुंचे नगर मोहबे में आई। आज आल्हा बेला का डोला लेकर के जिस समय मोहबे में आ गए हैं, प्रकाश भैया हुआ क्या? अरे आई गौ मोहबे में डोला, लखी बेला गई मन में हरसाई। फैल गई चहुं ओर तभी रानी चंदेले की बेला आई।
सुर जन चेतन कहे परछिन करके महल में लई बुलाई। दोस्तों मलना देवला मछला फुलबा सब पास में आ गई है। अरे नौ लखा हार दो दिबला मुख देख के बेला को हर्ष जताई। अरे कंगना हाथ को बेला लो मलना को दो नबे पाई छुआई। और पूछे मलन दे हाल तभी ब्रह्मा को बेला ने दो है बताई। उदय राज कहे अरे शोक तभी महलन के बीच में गयो है छाई। जिस समय बेला ने ब्रह्मानंद के बारे में बताया है महलों में शोक की लहर छा गई। भैया सुन के बातें मैया मलना तब ही रोई दई है। भैया सुन के बातें मैया मलना तब ही रोई दई है। भैया सुन के बातें मैया मलना फौरन रोज दई है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, आज बेला जिस समय मोहबे में जाकर के पहुंच गई है और वहां जाकर के अपनी नंद चंद्रावल के साथ में महलों के ऊपर चढ़ गई है, आनंद लेने लगी है, हुआ ऐसा। आज चंदन बगिया मेरे स्वामी की, अरे सासुले हमको दियो दिखाई, बारे रानी है चंदेले की, सुनते ही डोला लिए सजवाई। अरे चंदन बगिया में आई है, डोला त्याग दो तो हर साई, घूम घूम के चौद स देखे एक छटान भरनी जाई। चंदन बगिया में जिस समय पहुंची है बेला, वहां चमेली बेला तिजोड़ा दोना मऊआ दे तू बहारी। अरे आई बिहरिया मलिया गिर की तन की नहीं के तन के समार। मलना कहने लगी है देखो बेला एक बात हम तुमसे कहना चाहेंगे कि पागल मत हो जाना, मेरे घर में एक त्योहार एक उत्सव होने वाला है। क्या? अरे पारस पूजा मेरे घर में सोनो माटी मोल बिकाई, बैठे मौज करो मोहबे में काय को देर की रही लगाए। बेला बोली तब मलना से के मैया सुन ले कान लगाए, कोई नामी योदा जो उदल थे तिन मोहबे में लो बैठार।
नामी से नामी ओदा होने के बाद भी और तिन के जीवित में रड़िया भाई मो पे जो दुख सहो नहीं जाई। अरे तुम्हें मुनासिब नहीं चाहे जो दिन हमें दिखाई दो आई। पहले चुगली कर मोहवे से कयाल हायू दल दे निकारी। हे माँ ये सब माहिल की करनी है क्या करूँ माँ। और जाए के माहिल ने रे दिल्ली में मेरो दूत दो तो मरवाई। अरे बंसन साबन बेचा हत के सारो हाल दो तो बतलाई। और बेला बोली है देवे से अब विश्वास करो मेरी माई। अरे जो कछु ईश्वर ने लिख राखी के बाको कोई मिटैया नहीं। अरे बेला बोली हरे आला से कीरति सागर देव दिखाई। अरे जैसी आज्ञा लखिया लाने के डोला तुरत लो सजवाई। और अब पासे हम तुम खेले दिल के ले अरमान मिटाई। अरे मस्ती छाई गई है बेला पे रति को लीलो रूप बनाई। याद रखना मेरे हम उम्र दोस्तों, जिस समय आल्हा बेला को लेकर के सागर पे पहुंच गए हैं, एक बंगला दिखाई दिया है, बंगला में बैठ गए। बेला कहने लगी आल्हा आओ आज हम तुम दिल के अरमान मिटाएंगे, पासे खेलो मेरे साथ में। काम का बाण लल्ला उनके हृदय में लगो वह तो जवानी में राण बही है थी। आहा वर देख के कायल आला हुई गई नीचे लीनो मूल नवाई। अरे बेला रूप धरो तो डाहिन को तबलो आला खड़ग निकारी। वर बोले ऐसे डाय हम डरे हम छत्र न के राजकुमारी। अरे पुत्र तुम्हारे हम लागत हैं बेला लगो तुम धर्म की माई। आल्हा कहने लगे हैं तुम बड़ी हो धर्म की माँ जैसी हो, ये सब कुछ तुम्हें शोभा नहीं देता है। हुआ क्या बेटा। अरे काल महोबे को देख तमाम कही ऐसे सासु से बेला भवानी। देव इजाजत आज हमें मुए जाए के अपनी है फौज सजानी। और शीशा उतार के तार को दिखलाई पति को निभानी है बानी। उदय कहे ये मानती नहीं बात कही है ये प्रेम किसानी। और बात हमारी को बहू सुनो। मलना कहने लगी है बहू एक बात सुनो मेरी, जो भी शब्द तुम्हारे मुख से निकलते हैं उनमें हमें शंका हो जाती है। सुनो बात हमारी को बहू सुनो। जाओ न लौट के बेला भवानी
लाजम होवे को आप करो न होई महान अकज योरु हानि। बेला कही सुनो मेरी सासुली है केवल चार दिना की जिंदगानी। सुरजन कहे दिन भोग सकी सुख पाए डरे जैसे मौसम को पानी। और से जनहारी न बाल मकी कैसी होती रहो सोई न जानी। दूर की नारो है पार लगे और छाई रही है भरपूर जवानी। अब अरे चूनर न मेरी मैली भाई न धोबी ने डारो पटोर पे पानी। उदय राज कहे दिन भोग सकी सुगर राल को कौन कहे वो भवानी। बेला कहने लगी सासू माँ ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो हमें भवानी कह रही हो। राण को भवानी कहने वाला कौन है यहाँ। पुत्र जनो जिसकी करी आस बिताती जवानी। अरे रूप तो पाट लो सबने पर पाटो न जाए समुद्र को पानी। और पेश हमारी न बारी महाई निशानी। उदय राज कह के उठो इतनी कह सास के पैर को लागी भवानी। और हाथ जोड़ के बेला बोली आज्ञा देवो की मां तू हर्षाई। हाँ जाए निहार पद स्वामी के मेरो जन्म के सफल हुई जाए। और सुनो सासू माँ और शीशा काट के भटता हर को जल्दी उन्हें हम दिखाई हैं जाए। हाय भैया अरे देखत स्वामी न जिंदा हुई जाए तो सब काम के सफल हुई जाए। हे माँ आज्ञा दो। मेरे पति ने हमसे ये कहा है कि जब तक बेला तुम ताहर का शीश मेरे सामने नहीं रख दोगी तब तक मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। मां मुझे आज्ञा दीजिएगा उसी समय। आज्ञा दे दी। और टोला पहुंच गया है रे चौरा ढिंगा बेला उतरी पड़ी है हर्षाई। अरे थाले सोवरन को आरती धरी घी गुड़ कीनो है तुरंत मंगाई। और करके पूजा पावे चोरा की बेला कहन लगी है मुश्किल कह गए। अरे साच छत्री जो मलखे थे तो दे सती आवाज लगाई।
भवानी वहीं पहुंच गई जहां पर गज मोतिन सती हुई थी। कहने लगी, अगर मलिखान सच्ची पत्नी तुम्हें मानते थे तो आवाज लगा दो। चौरा में जाकर के बोली है, बेला और ये भी बता दो, अरे आगे होनी क्या रे होनी है, बेला रह गई कैसी सुनबाई। अरे आबा बोली है गज मोतिन की, बेटी सुनो तुम पिथोरा राई। तुम खा का बटोर न कोने आई हो, अरे सुख तो हुई गौ है कोश हजार। मेरे सिरसा को माहिल ने बेला बद के दो है उजारी। भेद पूछ के पाकन का से मारे गए हैं बल्हारे राय। धोखे बाल में मेरे मर गए के तीनों शब्द है हमें करतारी। और सुनो, मैं इस समय दिल्ली जाऊंगी, पता नहीं क्या होने वाला है। और मिले सुहागिन नारे ढूंढे से, दिन और रात है बजे तलवारी। मिले सुहागिन लाए दिल्ली में के घर घर राणे है पड़े दिखाई। गजमोतिन की आभा बोल रही है, आवाज आ रही है गजमोतिन में, बेला में बात चल रही है वहां। गजमोतिन की आभा प्राण बोले, अरे बेला बोली गजमोतिन से, बहना सुन ले तू अर्जू हमारी। अरे रणिया जान लो निज हमको, सुनत मरण मल्हारे आई। और तुमको सती दई ईश्वरनी, हुई गई सती है पति के साथ। सती होनो है हमऊ को, सो है लाज के तुम्हारे हाथ। याद रखना मेरे भैया, गजमोतिन की आभा से बात होने के बाद में आज बेला वहीं पर पहुंच गई जहां पर ब्रह्मानंद घायल पड़े हैं। वहां जाकर के पैर दबाने लगी और कहने लगी, स्वामी अरे नींद उचक गई है रे ब्रह्मा की, बेला ओरी वे रहे हैं निहारी। अरे सीसन लाई क्या ताहर को, आज्ञा दीनी है टाली हमारी। आज ब्रह्मानंद कहने लगे हैं, बेला क्या मेरी आज्ञा टाल दी, ताहर का शीश नहीं लाई। उसी समय बेला कहने लगी, महाराज आप चिंता न कीजिएगा, और सीसा काटे हैं हम ताहर को, आज्ञा पालन में करूं तुम्हारी। इतनी कह कह के बेला रानी लो सेनापति हाल बुलवाई। और आज्ञा दे दई दल मोहबे को, आधो अधिक लो है सजवाई।
लश्कर सजन लगो है मोहवे को दहली है तबे बहे तैयार। और जाई लेन में सबई लग गए चम चम चमक न लगे हथियार। हाल सुनाऊं अब बेला को जब ये सुनी है पद्मिनी नारी। और पाग पेजनी सिर पे बांधी कलंगी दे रही है अजब बहार। है है। आए आए दूर से जो कोई देखे मालूम पड़े है चंदेले लाई। ब्रह्मानंद की कही हुई बात बेला के दिमाग में फिट होकर के बैठ गई। अब बेला सजने लगी। किस तरह से बेला ने ताहर का शीश ब्रह्मानंद को दिया है और आगे की कहानी आगे की कथा आप द्वितीय भाग में सुनेंगे। भैया छुई के चरण पति के है बेला दिल्ली चली गई है। भैया छुई के चरण पति के बेला दिल्ली चली गई है। और दिल्ली चली गई है शिवहरे दिल्ली चली गई है। भैया छुई के चरण पति के बेला दिल्ली चली गई है।